नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शाहिल। आपने लॉग इन किया है इंडिया समाचार। अगर आपको हमारी टीम की मेहनत पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें और हिम्मत दें। धन्यवाद। चूरू जिला मुख्यालय पर पंचायत राज्य मंत्री राजेंद्र राठौर सुबह सुबह इंद्रामणि पार्क में घूमने के लिए निकले थे। जब लोगों को पता चला तो मंत्री राठौर सुबह जल्दी ही इंद्रामणि पार्क में घूमने के लिए पहुंच गए हैं तो लोग भी काफी संख्या में इंद्रामणि पार्क ही पहुंच गए और अपनी अपनी समस्याएं राठौर के सामने रखने लगे तो राठौर भी पार्क में ही हरी घास पर बैठ गए और लोगों की समस्याएं सुनने लगे। इसमें से ज्यादातर समस्याएं इस पचड़ गर्मी में बिजली और पानी की थी। कुछ लोग अपने स्थानों को भी लेकर राठौर के पास पहुंचे थे। कुछ अपने रिश्तेदारों व कुछ पिता अपने पुत्र और पुत्रियों के स्थानांतरण के लिए भी राठौर के पास पहुंचे थे। राठौर ने सभी की समस्याएं सुनी और समाधान भी मौके पर करवाया। इस मौके पर पंचायत राज्य मंत्री राजेंद्र राठौर ने कहा कि पिछले 30 साल का उनका आमजन के बीच प्यार है, पारिवारिक रिश्ता है, तो अब लोगों को जहां भी पता चलता है तो लोग अपने काम के लिए पहुंच जाते हैं और मैं भी वही मौके पर बैठकर उनकी बात सुनता हूं और उनका काम करवाता हूं। राठौर ने कहा कि चूरू के लोगों का मेरे पति इतना स्नेह और प्यार है कि मैं उनके काम के लिए ना कोई मंच देखता हूँ ना ही कोई भाषण देता हूँ और अपने जजमान वहीं पर लगा देता हूँ। लोगों के काम करता हूँ और उनकी समस्याओं का पूरी तरह से निदान करने की कोशिश करता हूँ। आज जन सुनवाई इंद्रामणि पार्क में कर रहे हैं। इंद्रामणि पार्क की पूरी हालात को बदलने के लिए अमृत योजना में एक प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ है 46 लाख का। इंद्रामणि पार्क विकास समिति के साथ उसकी चर्चा हुई है। उसी निमित्त मैं यहाँ आया था और जहाँ भी आता हूँ वहीं लोग आ जाते हैं तो वहीं बैठकर उनसे बात करना प्रारंभ कर देता हूँ। ये मेरी फितरत है। इस कारण से आज यहीं मैंने अपने लोगों से अपनी बात करनी प्रारंभ कर दी। लगभग 100 मेरे प्रवेदनाएँ मुझे अलग अलग मामले में प्राप्त हो रही है। अधिकांश प्रवेदनाएं स्थानांतरण से संबंधित है, पर बहुत सी प्रवेदनाएं कमियों से संबंधित भी है। कुछ पानी की समस्या, कुछ बिजली की समस्या, आवेदन पत्र प्राप्त हो रहे हैं जिन पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए मैं निर्देश दिया। सर देखा, देखिए चूंकि लंबे समय से यहाँ के लोगों से वास्ता है, अपनत्व तो है, इसलिए ना तो उनको बिचौलियों की जरूरत ना मुझे बिचौलियों की आवश्यकता है। ये मेरे अपने हैं, मेरा कोई राजनीतिक रिश्ता भी नहीं है, इसलिए जहाँ भी बैठता हूँ वहीं से वो भी मेरा कार्यालय बन जाता है और वहीं से बात चालू हो जाती है। Thank you.